अच्छा ये आपको जो गिफ्ट है सर ये 3 नाइट 4 डेज का है स्टे हमारी तरफ से। 3 नाइट 4 डेज थोड़ा आपका अच्छा चला भी जाएगा ना। सीजन पे कहीं भी ले सकते हैं, इंडिया में कहीं भी ले सकते हैं। इंडिया में कहीं भी। रात और 4 दिन का फ्री पैकेज, फ्री स्टे दिया है 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स में। इधर देखिए आप, स्नो कैप माउंटेन, ये कोई पी के धौलाधार की कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज थी वहाँ पे, वो लोग हमें ले गए थे। देखा क्राउड वहाँ का, बाकी यूरोपियंस या मतलब फॉरनर्स ही थे वहाँ पे ज़्यादातर। हो गया 7:30 बज गए शाम के, अभी अभी हम बाहर से आए हैं वापस, मार्केट घूमने गए थे और वहाँ पे एक प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए लोग हमें खींच के ले गए ऊपर। हमने बड़ा अच्छा शूट किया सफ़ायर होटल के टेरेस पे, ऊपर हम गए तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त व्यू हमें मिला। कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे, वो लोग हमें ले गए। बाइलक हम वहाँ पहुँचे, लेकिन उस टेरेस पे पूरी धौलाधार रेंज क्लियरली विजिबल थी, और पीछे की तरफ बैक साइड में जहाँ सनसेट होता है वेस्ट में, वहाँ पे सनसेट हो रहा था और पूरा देवदार का जंगल। शायद बेस्ट व्यू शायद इस धर्म मैक्लोडगंज का बेस्ट व्यू उस होटल से था, उस होटल के टेरेस से, और पूरा लैंडस्केप का हमने वहाँ शूट भी किया है, वो वीडियो में आपने देखा होगा या डाल दूंगा मैं। तो जब हम लोग सैफायर होटल के टेरेस पे पहुँचे तो इनका कुछ क्लब जीवा का कुछ प्रमोशन चल रहा था, और वहाँ पे बहुत खूबसूरत व्यू ने पहले हमारा स्वागत किया। इतना ज़बरदस्त व्यू हमें वहाँ पे मिला, तो इसके कुछ फोटोग्राफ मैं डाल रहा हूँ आपके सामने। लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत था धर्मशाला में, मैक्लोडगंज में इससे खूबसूरत व्यू शायद ही किसी होटल से होगा, जो हमें सैफायर होटल के टेरेस से मिला। तो इनका कुछ क्लब जीवा का प्रमोशनल एक्टिविटी चल रहा था, 3 रात और 4 दिन का फ्री पैकेज, फ्री स्टे दिया है 4 स्टार और 5 स्टार होटल इंडिया, हम कहीं भी रुक सकते हैं 3 रात और 4 दिन के लिए बिल्कुल फ्री क्लब जीवा की तरफ से, और ये 2 लोगों के लिए है। ठीक है प्रमोशन है, चेक इन करा लेंगे। नहीं बिल्कुल वो जरूरी है। होटल सफ़ायर में हम किसी प्रमोशन एक्टिविटी के लिए आए हैं, और यहाँ पे मैं तो खेल गया हूँ ये व्यू देख के। ये पूरे धर्मशाला में ऊपर तक चला गया घूमने, कहीं पे ये व्यू नहीं मिला, समझ में नहीं आ रहा है। हाउ कैन आई डिस्क्राइब, ज़बरदस्त वाला व्यू। क्या बात है, वेरी गुड। आ जाओ। मैं यहाँ रुका आया हूँ सफ़ायर प्रॉपर्टीज है धर्मशाला में, और ये बहुत ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग व्यू मेरे पीछे। शायद यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसमें ये पूरा व्यू आ रहा होगा। इधर देखिए आप, स्नो कैप माउंटेन, जो कोई पी के धौलाधार की, और आज मौसम अच्छा है तो बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रही है। वापस अब तुम उनसे फॉर्मेलिटी पूरी करो, मैं थोड़ा सा शूट कर लेता हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये, इसकी जो वैलिडिटी है वो बनी है। हम तो मई जून में कर लेंगे ना, मई जून पे। व्यू देखिए आप, शायद ही ऐसा व्यू कहीं पे होगा। पूरी वैली घने पेड़ों से ढकी हुई है, और मैं इस सफ़ायर होटल की टेरेस से ये शूट कर रहा हूँ। सुनो, अगला ट्रिप तो मिल गया हमको। रियल में दे रहे ऐसी जबरदस्त लोकेशन है, बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारी जगह है, और ये बाई लक हम लोग यहाँ पे आ गए अचानक ही आए तो ये जगह में, और पीछे भी इधर
इसे मैंने अभी दिखाया भी था आपको, जबरदस्त वाला है सीन, बहुत खूबसूरत। ये तो सरप्राइजिंग था, नहीं सरप्राइजिंग था, बिल्कुल सरप्राइजिंग था। और इस तरफ भी बड़ा ठंडा ठंडा है, अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है आज। कैसा लग रहा व्यू जोसना, बताओ ना, डिस्क्राइब तो करो इसको अपनी भाषा में, कुछ कर सकती हो तो। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बहुत। नहीं मेरे ख्याल से ऐसा व्यू नहीं दिखा है, इस तरह के जंगल से पेड़ों से ढका हुआ ये वैली। ये तो अचानक ही मिला आपको, अचानक ही मिल गया कुछ लोगों। और सन भी सेट हो गया सामने, सन भी सेट हो गया। अच्छा बताइए रियल में मतलब क्या गिफ्ट है ये सर? एक्चुअली 3 नाइट 4 डेज का बात कर रहा हूँ। ये आपको जो गिफ्ट है सर, ये 3 नाइट 4 डेज का है स्टे हमारी तरफ से। 3 नाइट 4 डेज थोड़ा आपका अच्छा चला भी जाएगा ना, कहीं भी ले सकते हैं, इंडिया में कहीं भी ले सकते हैं। इंडिया में कौन सी कंपनी आप बता दीजिए हमको, कुछ लोग सुनेंगे तो। क्लब जीवा, क्लब जीवा का है। अच्छा तो ये हमें फ्री मिल रहा है? हाँ बिल्कुल सर। कितने कितना अमाउंट का है ये? ये अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में जाते हैं, अगर मान लेते हैं कि 6-7 हज़ार का वहाँ का टेरिफ है, जोड़ लीजिए आप। 5 स्टार महीना? हाँ 4 स्टार 5 स्टार। नाम दिए हैं इसमें? ये आपको मेल पे सब कुछ मिल जाएंगे। अच्छा मेल पे भी सब कुछ, जैसे आप रिवर्ट बैक करेंगे सब आ जाएगा। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इधर से आ सकते हैं। अच्छा इस पे देखिए मैंने आपका नाम लिख दिया है, पहले मैं बता देता हूँ। इसमें आपका नाम लिख दिया है मैंने, डेट लिख दिया है और लोकेशन डाल दी है, ठीक है। और ये वेबसाइट है जिस पे आपको इसको बुकिंग करानी है, ठीक है। और इसमें लिखा है 3 नाइट 4 डेज फ्री कॉम्प्लीमेंट्री स्टे एट गोवा पंचगनी मात्रा एंड मिनिमम, ठीक है। तो आप इसकी वैलिडिटी जो है 1 ईयर है, और इसकी बुकिंग आपको 1 महीने एडवांस करनी पड़ेगी। 1 महीने एडवांस तो अभी कर देंगे तो वही जून का हो ही जाएगा। अभी क्या चल रहा है, अप्रैल मई जून, हाँ अभी कर दीजिए आप इसको डालिएगा, कंपनी से मेल आएगा आपको, सबको प्रॉपर सब कुछ मिलेगा आपको। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और आप भी हमारे से कॉन्टेक्ट में रहिए, बिल्कुल 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 रहिएगा। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। पहली बार कुछ फ्री गिफ्ट मिला, बड़ा अच्छा लगा हमें, और मेरा मनपसंद भी है क्योंकि घूमने का मुझे शौक है। तो पहली बार 4 स्टार या 5 स्टार होटल्स में रुके हैं कहीं, और वो जल्दी अवेल करूँगा मैं इस पैकेज को। इसके लिए वेबसाइट पर, इनकी वेबसाइट पर जाके वाउचर नंबर जो हमारा फ्री जो मिला हमें कूपन मिला है उसका वाउचर नंबर डालना पड़ेगा, और वहाँ से वो हमारी बुकिंग हो जाएगी। हालांकि इन्होंने बताया 1 महीने पहले आपको एडवांस में बुकिंग करानी पड़ेगी, और ये 1 साल तक वैलिड है। सुबह हम गए थे आज, आज का दिन फ्री रखा वैसे हमने अपने लिए, हमने सोचा था एक दिन रिलैक्सिंग के लिए रखा है तो आज हमने फ्री रखा था। तो आज फ्री थे, पूरे रिलैक्स हो गए, यहीं मैक्लोडगंज में आसपास घूमे। तो आज मैंने सुबह प्लान बनाया था आज सुबह, और मैंने सोचा था कि बहुत मैंने सुना हुआ है इधर एक विलेज है जिसका नाम है, क्या नाम है, जिसका नाम भूल गया, धर्मकोट। तो मैंने बहुत सुना होता यहाँ पे मैक्लोडगंज में सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी एक विलेज है धर्मकोट, जो विलेज ना हो गए वहाँ के सभी लोगों ने वहाँ पे पब्स वगैरह और रेस्टोरेंट्स खोल दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे फॉरनर टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा आना जाना वहाँ बढ़ गया है। बहुत लोग वहाँ पे फॉरनर्स रहते हैं, वहाँ पे इजरायली लोगों के लिए बहुत फेमस हो गया, इजरायली नेशनल्स वहाँ पे रहते हैं। बहुत सी और कंट्रीज से भी लोग वहाँ पे आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के काफ़ी लोग वहाँ पे होम स्टे लेके वहीं पे रहते हैं, और करीब महीने महीने का स्टे करते हैं। बहुत से लोग काफ़ी दिनों से वहाँ रह रहे हैं, तो मैं भी देखना चाहता था कि आखिर धर्मकोट कैसा लगता है देखने में। तो मैंने सोचा 2 किलोमीटर दूरी था तो हमने वॉक करने का डिसीजन लिया। 150 रुपीज़ में टैक्सी वहाँ ड्रॉप कर देती है, लेकिन मैंने सोचा हम लोग वॉक करते हैं वहाँ, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, 1.8 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर से भी कम का रास्ता था। तो हम लोग वॉक करके वहाँ गए, रास्ता बहुत खूबसूरत था, आपने देखा होगा वीडियो में, और ग्रीनरी बहुत थी, उतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ व्हीकल्स वहाँ इतने नहीं थे उस रास्ते पे, और ऊपर से मैक्लोडगंज का और धर्मशाला का व्यू भी बहुत अच्छा ऊपर से दिख रहा था। तो थोड़ा हाइट पे वो यहाँ से जो स्क्वायर है मेन चौक जो है वहाँ से राइट हैंड पे जो रास्ता जाता है वो धर्मकोट के लिए जाता है, और हम शायद एक घंटे में वहाँ पहुँच गए थे, क्यों फिर भी हम टहलते हुए गए थे, हम लोग बिल्कुल टहलते हुए गए थे वहाँ पे।
और एक घंटे में हम लोग पहुँच गए वहाँ पे। वहाँ पे अच्छा इन्जॉय किया आपने, रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ घूमे, मार्केट देखी वहाँ की, और काफ़ी देखा क्राउड वहाँ का, बाकी यूरोपियंस या मतलब फॉरनर्स ही थे वहाँ पे ज़्यादातर, और बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं वहाँ पे। होम स्टे के लिए हमने पता किया वहाँ 600, 700, 800, 900, 1000 तक में रूम मिल जाता है। खैर हमें स्टे वहाँ नहीं करना था, हम आ गए और वहाँ पर हमने इसराइली फूड भी चेक किया, तिब्बतन थुप्पा भी खाया, हालाँकि जोस्ता ने ज़्यादा चेक किया, मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था बस। अच्छा टाइम पास करके हम आपने इन्जॉय करके आ गए। हम आ गए थे शायद 1:30-2 बजे तक आ गए थे, आते वक्त हम थक गए थे तो हमने ऑटो कर लिया वहाँ पे, और उसने 100 रुपीज़ में हमें यहाँ चौक पे छोड़ दिया था। मेरी एडवाइस है, मेरी मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों के लिए कि धर्मशाला मैक्लोडगंज आए तो आप ये धर्मकोट जो विलेज है इसका भी टूर ज़रूर करें। तो समय हो गया, 7:30 बज गए शाम के, अभी अभी हम बाहर से आए हैं वापस, मार्केट घूमने गए थे। रात हो गई 8 बज गए, एक बार फिर चलते हैं मार्केट की तरफ, थोड़ा घूमेंगे। दोपहर के बाद से आज घूम ही रहे हैं तो शाम को भी घूम के आए थे, फिर चलते हैं थोड़ा घूमेंगे और थोड़ा डिनर करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। खाने दही बड़ा समझ लो बल्ले, तो फिर ये खाते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा शोर शराबा है तो आवाज़ रिकॉर्ड हो नहीं पाई है, तो इसलिए अलग से डाल रहा हूँ। यहाँ पे हमने मोमोज खाए, फिर भुट्टे खाए, जोस्ता बड़ी खुश थी मोमोज खा के, और अच्छे भी थे मोमोज, अच्छे थे मोमोज, चटनी भी अच्छी। मैं सोच रही हूँ 5 ही आगे भी खा देते, तो मिलते हैं कल, मिलते हैं आपसे। आज का व्लॉग यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करने वाले पता नहीं क्या बात है, बहुत कम है, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, एक बटन ही तो दबाना होता है, उसको दबाइए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है काम करने का, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं। तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिए और उसके बाद ऑल पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं नया पोस्ट करूँगा उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत से लोग मैं देखता हूँ यूट्यूब स्टूडियो में जाके, मैं एनालिटिक्स पे जाके जब मैं चेक करता हूँ तो काफ़ी लोग इसको वॉच तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय बाय, मिलते हैं कल, बाय बाय।